दोस्तों, अगर आप भी YouTube पे फोटो पोस्ट करना चाहते हैं और आपका 500 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है, लेकिन फिर भी आपको कम्युनिटी टैब वाला ऑप्शन नहीं मिला है, तो जरूर आप एक गलती किए हैं। इसीलिए आप अपने YouTube पे अपने चैनल पे फोटो पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने चैनल पे कम्युनिटी टैब वाला ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं और किसी भी फोटो को, किसी भी पोल को आप अपने कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है संजय शर्मा और मैं 3 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ। तो इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है अपने यूट्यूब चैनल के रिगार्डिंग, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली वहां पे रिप्लाई करके या तो एक वीडियो बना करके हेल्प कर दूंगा। और साथ ही मैं इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, YouTube पे तो बहुत सारा सेटिंग्स दिया गया है, उसी में से आपको कम्युनिटी टैब का भी ऑप्शन मिलता है, जिससे कि आप अपने कम्युनिटी टैब में किसी पोस्ट को पोस्ट करके, फोटो को पोस्ट करके अपने ऑडियंस के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। आप जो कम्युनिटी टैब में कोई फोटो पोस्ट करते हैं उस पर आपको लाइक्स तो मिलता ही है बहुत सारा, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने ऑडियंस के साथ सीधे कनेक्ट हो सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा व्यूज मिलने की चांस बढ़ जाता है, आपके चैनल पर जो वीडियोज होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज आने की चांस बढ़ जाता है। तो अब बात करते हैं कि आपको 500 सब्सक्राइबर आपके चैनल पर पूरा होने के बाद ही आपको कम्युनिटी टैब वाला ऑप्शन क्यों नहीं मिला है। मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं कि क्यों आपको कम्युनिटी टैब वाला ऑप्शन नहीं मिला है और क्यों आप पोस्ट वहां पे नहीं कर पा रहे हैं किसी भी फोटोज को अपने चैनल पे। तो इसके लिए मैं गया गूगल पे और वहां पे मैंने सर्च किया कम्युनिटी टैब एलिजिबिलिटी। तो वहां पे मुझे एक आर्टिकल देखने को मिला जहां पे सब कुछ बताया तो गया था, लेकिन वो था इंग्लिश में। फिर मैंने उसको क्या किया, गूगल ट्रांसलेट से उसको हिंदी में कन्वर्ट किया। फिर मैंने वहां पे जो पढ़ा वो मैंने समझा, मुझे देख के शॉक लग गया। वहां पे लिखा था 500 से अधिक सब्सक्राइबर वाले क्रिएटर्स के पास कम्युनिटी पोस्ट का एक्सेस होता है। 500 सब्सक्राइबर पास करने के बाद कम्युनिटी टैब देखने में 1 हफ्ते तक का समय लगेगा और सामुदायिक टैब के अन्य चैनलों के लिए भी उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि हम इस सुविधा का परीक्षण जारी रखते हैं। अगर आपके चैनल की ऑडियंस बच्चों के लिए बना के रूप में सेट है तो सामुदायिक टैब बंद है, आप पोस्ट बना या देख भी नहीं सकते। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने अपने चैनल पे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया है तो आपको जो है 1 सप्ताह का टाइम लग सकता है, 7 दिन का टाइम लग सकता है आपको कम्युनिटी टैब वाला ऑप्शन मिलने में। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम यह भी है कि अगर आपने जो चैनल बनाया है उस पर आप कोई कंटेंट पोस्ट कर रहे हो और वो बच्चों के लिए है, मैट फॉर किड्स का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है जहाँ पे वीडियो अपलोड करते हो वहाँ पे देखने को मिलता है, तो वो चैनल आपका बच्चों के लिए है तो आपको वो कम्युनिटी टैब वाला पोस्ट नहीं मिलेगा और किसी का भी कम्युनिटी पोस्ट आप देख भी नहीं सकते हो, ये आपको रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे लग जाएगा। तो अगर आप मैट फॉर किड्स मतलब बच्चों के लिए कॉन्टेंट बनाते हो तो आपको ये कम्युनिटी टैब वाला पोस्ट वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन आपने 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया है और बच्चों के लिए यहाँ पे चैनल नहीं बनाए हो, बच्चों के लिए कंटेंट नहीं बनाते हो, तो 1 सप्ताह का आपको टाइम लगेगा, फिर आपको वहां पे इनेबल हो जाएगा, आपका कम्युनिटी टैब आपको मिल जाएगा, आप उसमें फोटो पोल कुछ भी पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको नहीं मिलता है 1 सप्ताह होने के बाद भी, तो आपको एक मेल करना पड़ता है यूट्यूब को। अगर उसके बारे में आप जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो नीचे कॉमेंट करके बताइएगा, मैं आपको वो भी सिखा दूंगा कि कैसे मेल करके कम्युनिटी टैब को इनेबल करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इतना सा ही पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं 3 साल से YouTube पे काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत कुछ पता है YouTube के बारे में जो मैं आपके साथ अब जो है शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोग नीचे कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो जो मैं आपको हेल्प कर दूंगा डायरेक्टली, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करेंगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिए, जय हिंद, वंदे मातरम।